कलर टेलीविजन कैमरा। देखिए इसमें क्या होगा कि कलर टेलीविजन कैमरा में थ्री कलर्स होते हैं जो कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और थ्री ही कैमरास होते हैं, यानी कि एक रेड कैमरा, एक ग्रीन कैमरा और एक ब्लू कैमरा, जो थ्री पिक्चर्स को स्कैन करते हैं अलग अलग कलर्स में, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू में। जो रेड कैमरा होगा वो रेड कलर की पिक्चर को शो करेगा, ग्रीन ग्रीन कलर की पिक्चर को शो करेगा, ब्लू ब्लू कलर की पिक्चर को शो करेगा। तीनों कैमरास अलग अलग शो करते हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो जूम लेंस पैकेज है जहां से लाइट जाएगी, लेंस है ये, इसमें जो लाइट है उस सीन से जाएगी जिस सीन को कलर में शो करना है। आगे क्या लगा होगा, इसके आगे लगे होंगे डाइक्रोमिक मिरर। ये जो मिरर होते हैं, डाइक्रोमिक मिरर, ये एक प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म कह सकते हैं इन्हें, जो कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ को पास करेंगे, यानी कि रेड को, ग्रीन को या ब्लू को, और दूसरी वेवलेंथ को ये रिजेक्ट कर देंगे, कलर लाइट के अकॉर्डिंग उसी वेवलेंथ को पास करेंगे। यानी कि एक साइड से तो ये पास करेगा रेड लाइट को, आगे जाके ये वाला मिरर पास करेगा, या फिर डाइक्रो मिरर या प्रिज्म कहें, ब्लू लाइट को, और ये वाला जो भी सेंटर में लाइट जाए ये ग्रीन को, अलग अलग लाइट को ये पास करेंगे। जिसके आगे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट जाएगी, आगे लगे होंगे कलर फिल्टर्स। कलर फिल्टर का काम क्या होता है, ये कहते हैं फिल्टरिंग। यानी कि एक कलर फिल्टर्स रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि सेपरेट सेपरेट हैं तीनों के लिए, तो ये जो फिल्टर्स होंगे ये क्या करेंगे, इमेज प्रोवाइड करेंगे जो कि कलर इमेज होगी, और वो जो इमेज होगी यानी कि उसको वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। वो किसके थ्रू, वो हमारी जो ट्यूब्स है, जो कि हमने अपने पुराने सेक्शंस में भी की थी, जो वीडिकॉन कैमरा ट्यूब है, प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब है या इमेज ऑर्टिकॉन है, इनके थ्रू उन्हें वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो ये फिल्टर्स होते हैं ये हाई प्रिसिसिव प्राइमरी कलर इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं और वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और किसके थ्रू, हमारे ट्यूब्स के थ्रू, वीडिकॉन, प्लम्बिकॉन, ऑर्टिकॉन, जिसका भी हम यूज कर रहे हैं। इसके आगे लगे होंगे कैमरास, रेड कैमरा, ग्रीन कैमरा और ब्लू कैमरा। हर एक कैमरा, जो कैमरा ट्यूब होगी वो क्या होगी, जो भी सिग्नल वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, जितना कलर उसने पीछे से रिसीव किया है, जितनी उस कलर की इंटेंसिटी है फिल्टर से, जितना कलर उसने रिसीव किया है, जितना पीछे से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। और एक इमेज फॉर्म, जो ये लेंसेज होते हैं ये इमेज बनाते हैं जो भी सीन होगा उसकी इमेज, यानी ये वाला लेंस जो इमेज बनाएगा, और इसे तीन इमेजेस बनेगी जो कि मिरर्स पे बनेगी, एक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये तीनों इमेजेस अलग अलग कलर की होंगी, ग्लास प्रिज्म के थ्रू तीन इमेजेस बनेंगी, और ये प्रिज्म फिर तीन इमेजेस को अलग अलग, यानी कि अपने पर्टिकुलर वेवलेंथ को लेकर दूसरी वेवलेंथ को रिजेक्ट कर देगा, यानी रेड का रेड पे, ग्रीन पे और ब्लू का ब्लू पे, इस तरह से, और थ्री कलर की इमेजेस जनरेट होंगी। उसके बाद उसे वीडियो प्री एम्पलीफायर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि वीडियो सिग्नल आने से पहले, उसे जाने भेजने से पहले उसे एम्पलीफाई किया जाता है, जो कि प्री एम्पलीफायर लगाया जाता है। ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा और उसे पास करेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी, यहाँ पे वी आर, रेड कैमरा से जो वोल्टेज आएगी वी आर वोल्टेज आएगी, वी वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, ये जी ग्रीन वोल्टेज को, और ये ब्लू वोल्टेज को डिनोट करेगा, और ये तीनों मिलके फिर यहाँ से पर्टिकुलर प्रपोर्शन में एक पिक्चर बनाएंगे, एक सीन क्रिएट करेंगे, स्पेशल कलर क्रिएट करेंगे पिक्चर का ट्यूब पे। ठीक है, जो भी हमारा कलर सिग्नल, जो कि जनरेशन होती है कलर सिग्नल की, यहाँ पे जो पिक्चर होगी, देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर है वो 70K का है, R220K का है, 270K का है, और ये RC रजिस्टर 30K का है। जो भी हमारा सिग्नल आएगा, वाई सिग्नल वोल्टेज, जो भी सिग्नल आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा
रेड कैमरा ट्यूब से जो सिग्नल आया है ग्रीन और ब्लू से, यानी रेड ग्रीन ब्लू और लाइट की जो लाइट होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कितनी लाइट प्रेजेंट है कैमरा के एलिमेंट में, जो रेड ग्रीन ब्लू है वो कितनी लाइट प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा, जो कि कंप्लीटली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा और एक पर्टिकुलर ल्यूमिनेंस सिग्नल जनरेट करेगा, यानी कि ल्यूमिनेंस जो कि ब्राइटनेस शो करता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जितनी भी पिक्चर में ब्राइटनेस होगी उसके अकॉर्डिंग और जितने एलिमेंट स्कैन होंगे वो ही जनरेट होंगे, जितने ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट किए गए हैं वही हमारे हमें आगे जाके जनरेट होंगे। ये हमारी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं जिसे हमारे सिग्नल मिलता है। एक पर्टिकुलर कलर, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें 100% व्हाइट कलर चाहिए तो 30% रेड, 11% ब्लू और 59% ग्रीन को मिक्स करेंगे तभी 100% व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। या फिर ये कहें कि अगर हमें 1 लूमन व्हाइट कलर चाहिए तो 0.3 लूमन रेड और 0.11 लूमन ब्लू और 0.59 लूमन ग्रीन चाहिए जिससे 1 लूमन व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। इस तरह से ही ये जो सिग्नल है ये इसी के अकॉर्डिंग शो किए गए हैं, 0.3 VR प्लस 0.59 ग्रीन VG प्लस 0.11 यानी कि ब्लू VB, तो वाइट सिग्नल यानी कि व्हाइट कलर का सिग्नल प्रोड्यूस होगा। ये इसी चीज को डिनोट कर रहा है ये जो 0.3, 0.59, 0.11 है जिससे हमें एक व्हाइट लाइट आउटपुट पे मिलेगी। इनकी इसी ही किसी भी रेशियो में जो इसमें वो मिक्स हो रहे हैं कितने भी लूमन में परसेंटेज में उसके अकॉर्डिंगली ही ये कलर जनरेट करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें गामा करेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए गामा करेक्शंस क्या होती हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमें अगर हमें 100% व्हाइट लाइट चाहिए होती है, 30% रेड चाहिए, 11% ब्लू चाहिए और 59% ग्रीन चाहिए, इससे क्या होगा 100% व्हाइट लाइट जनरेट होगी जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन जो इंटेंसिटी होती है 100% स्टैंडर्ड व्हाइट लाइट की उसे हैंडल किया जा सकता है किससे, उसकी 1 वोल्ट वैल्यू से। उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमें व्हाइट कलर नहीं चाहिए हमें ग्रे कलर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पास ग्रे कलर आए, उसको करने के लिए हमें जो व्हाइट है उसके 1 वोल्ट को ग्रे शेड लाने के लिए जो व्हाइट है उसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे। यानी ब्राइटनेस कम करने का मतलब ये है कि उसमें 1 वोल्ट लेस हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास प्रॉपर व्हाइट कलर है। अगर हम ग्रे शेड चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ब्राइटनेस को डिक्रीज कर देंगे। अगर ब्राइटनेस डिक्रीज होगी यानी कि उस टाइम में व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन रेड और ब्लू इतनी परसेंटेज में चाहिए थे, लेकिन व्हाइट की अगर 100% व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो गई है अगर उसमें हम 1 वोल्ट को लेस कर देंगे उसके, या फिर ये कहें कि उसके एम्पलीट्यूड को लेस करें या कहें कि उसकी ब्राइटनेस को कम करें, उससे हमारे पास ग्रे शेड प्रोड्यूस होगी व्हाइट को लेस ब्राइट करने से। रेड ग्रीन और ब्लू वोल्टेज जो होगी उनमें कोई फर्क नहीं आएगा, रेड वोल्टेज वही रहेगी, ग्रीन वोल्टेज वही रहेगी और ब्लू वोल्टेज वही रहेगी, सेम रहेगी, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो सेम प्रोपोर्शन में चलेंगी। बस क्या किया है कि व्हाइट लाइट को 1 वोल्ट लेस कर दिया है यानी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अगर उसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो व्हाइट से वो ग्रे शेड में दिखने लग जाएगा, इसे ही गामा करेक्शंस बोलते हैं। ये होती हैं हमारे गामा करेक्शंस जो कि जो हमारे टीवी स्क्रीन्स होती हैं उसमें जो ट्यूब होगी, जो टीवी में ट्यूब होती है वो सब 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं सब में, रेड ग्रीन और ब्लू, और इनके प्रोपोर्शन से ही सब कलर मिलके बनते हैं। यानी अगर हम एक शेड कम चाहते हैं तो हम उसकी 1 वोल्ट को कम कर सकते हैं। अगर हम उसकी 1 वोल्ट कम करते हैं तो उसके जो एम्पलीट्यूड लेस हो जाता है 1 वोल्ट से, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है किससे 1 वोल्ट से, जिससे वो शेड चेंज हो जाती है। ये जो दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट के लिए दी गई है,
ये हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, येलो के साथ, के सियान के साथ, मजेंटा के साथ, यानी कि प्रपोर्शन देखते हैं कि कितना प्रपोर्शन चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग. क्योंकि क्या हुआ, सियान मजेंटा कैसे बना, 30 + 11, या फिर ये हम ये कहें 0.3 VR प्लस 0.11 VB इज इक्वल टू इसके बना मेजेंटा के, यानी कि 0.41 मेजेंटा लूमन, अगर लूमन में देखते हैं इस तरह से ही ये जनरेट होते हैं. और उसके 1 वोल्ट कम करने से, उसके लूमिनेंस कम करने से, या लूमिनेंस जिसको ब्राइटनेस बोलते हैं उसे कम करने से, हमारे थोड़ा कलर वही रहता है, वोल्टेज वही रहती है, लेकिन उसके शेड में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है सिर्फ ब्राइटनेस से. अगर आप अपने कैमराज में या फोन में ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो उसका कितना फर्क पड़ता है वो देखने से ही पता लग जाता है. इसे ही कलर टेलीविजन कैमरा कहते हैं. थैंक यू. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं.